स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग लेसन क्यू एंड ए विद डायना वायना जॉन. ओके, एंड द राइटर ऑफ दिस इज केट एल्डरडाइज. ओके, सो इन दिस चैप्टर व्हाट इज एक्चुअली दिस इज एन इंटरव्यू. यू नो व्हाट इज ए इंटरव्यू, फर्स्ट टेल मी. इंटरव्यू क्या होता है? हम किसी का भी इंटरव्यू लेते हैं, कोई फेमस पर्सन है, कोई भी है, इंटरव्यू हम किसी का भी ले सकते हैं. सो हियर हम जो है इंटरव्यू ले रहे हैं डायना वायना जोन्स का, और उसका जो इंटरव्यू कौन ले रहा है? बुक शेल्फ ले रहा है. तो वो उसकी जो है राइटिंग के बारे में पूछ रहा है, जो भी उसने बुक्स लिखी हैं उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पुट कर रहा है. वो किस तरह की स्टोरी वो लिखती है उसके बारे में वो बता रहा है. सो वी विल रीड अबाउट द डायना वायना जोन्स. ओके, सो क्यू मीन्स हेयर वॉट? क्यू मीन्स हेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि देर इज एन इंटरव्यू ऑफ डायना वायना जोन्स बाय द बुक शेल्फ. सो हेयर क्यू मीन्स क्वेश्चन एंड ए हेयर आंसर. सो क्वेश्चन यहाँ पर जो है पुट किए जा रहे हैं किससे? बुक शेल्फ के द्वारा. और आंसर कौन दे रहा है? डायना वायना जोन्स. ओके, सो लिसनिंग स्किल. सो दिस वी विल डिस्कस दिस लिसनिंग टू द टेक्स्ट एंड आंसर. सो दिस इज द लिसनिंग स्किल दैट यू विल बी आंसर लेटर. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस लेसन. ओके, सो फर्स्ट वी रीड अबाउट इट. ओके, दिस लेसन. व्हाट इज फैंटेसी नॉवल? फैंटेसी मीन्स व्हाट? फर्स्ट यू टेल मी व्हाट इज अ फैंटेसी. फैंटेसी नॉवल दैट इज अ इमेजिनेशन. फैंटेसी, ओके, कल्पना से जो हम नॉवल एक जो है किताब है वो हम जो लिखते हैं, जैसे जो है डायना वायना ने लिखी है. सो हैव यू रीड एनी फैंटेसी नॉवल और स्टोरीज? टेल द क्लास अबाउट एनी वन सच नॉवल और स्टोरी. सो ये तो हमें कहा जा रहा है, हम आपसे बच्चों से कहा जा रहा है कि क्या आपने कोई ऐसी इमेजिनेशन की कोई कहानी पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो आप उसे सुनाओ. सो इन दिस चैप्टर, सो विजार्ड्स होते हैं जादूगर, एंड विचरी इज वॉट? डायन, जादूगरनी. एंड विकेडली मीन्स दुष्टता. ओके, सो हेयर द वर्ड्स एंड जो है हम ये जो डायना वायना जोन है वो किससे रिलेटेड जो है स्टोरी लिखती है उसके बारे में बता रहे हैं. सो इन दिस वी विल रीड विजार्ड्स एंड विचरी अबाउंड्स. अबाउंड मैंने एक्सिस्ट करती हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स में, बहुत ज़्यादा इन नंबर्स. ठीक है, विजार्ड्स एंड विचरी अबाउंड इन द विकेटली फनी फैंटेसी ऑफ डायना वायना जोन्स. तो वायना जो डायना वायना जोन्स है उसकी जो कहानियाँ हैं, जो नॉवल्स लिखती है, स्टोरी लिखती है, वो जो है ज़्यादातर जादूगर, डायन और जो है दुष्ट जो है इनकी जो है बारे में बहुत ज़्यादा जो है कहानियाँ उसकी जो है वो लिखती है. एंड शी वॉज बॉर्न इन 1934 और एंड शी इज डाइड इन 2011. ओके, सो दिस इज अबाउट द डायना वायना जोन्स. सो ओवर द ईयर्स द इंग्लिश राइटर हैज़ बीन बेस्ट नोन फॉर द क्रिस्टोमेंसी सीरीज. एक उसकी कहानी है जो है वो क्रिस्टोमेंसी के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा इसे जो है जानी जाती है, फीचरिंग द पावरफुल मैजिशियन ऑफ द सेम नेम. और जो उसने जो लिखा है मैजिशियन है वो इसी के नाम से, क्रिस्टोमेंसी के नाम से. रिसेंटली वायना जोन्स गेंड ए न्यू ग्रुप ऑफ फैंस वैन जापानीज डायरेक्टर हायो मिजाका मेड हर 1986 नॉवल हाउल मूविंग्स कैस्टर तो इन टू एन एनिमेटेड फिल्म इन 2004. जब उसने जो है जापानीज डायरेक्टर ने हायो जो है मजायके ने जो है एक जो है डायरेक्टर था उसने जो है इसके ऊपर जो नॉवल है
उसके ऊपर जो है एक एनिमेटेड फिल्म बनाई। सो शी उससे जो है उसके जो है बहुत सारे क्या हो गए और भी फैंस हो गए। ओके सो ग्रीनविच इज रिलेटेड हाउस ऑफ मैनी वेज। हाउस ऑफ मैनी में एक बुक है उसकी और जो कि रिलीज हुई है और सिटी ग्रीनविच में। तो ए स्टोरी सेट नॉट लॉन्ग आफ्टर द इवेंट्स ऑफ क्रॉनिकल्ड, यानी उसी के साथ ही जो है ये लिखी गई है। ज़्यादा टाइम डिस्टेंस नहीं है इनमें, ज़्यादा अंतर नहीं है। इन द हाउलिंग मूविंग कैस्टल, ठीक है, एंड इट्स 1991 सीक्वल कैस्टल इन द एयर जो है उसने लिखी थी 1991 में। और उसकी जो स्टार है एक जो है बुकिश मैंने बहुत ही पढ़ाकू लड़की है एंड समवट ग्रम्पी मीन्स हेयर जो है चिड़चिड़ी एंड बुकिश जो है बहुत पढ़ाकू है। ओके एंड जो है अपेलिंग मीन्स वेरी बैड। ओके सो उसने जो एक जो स्टार है उसकी वो कौन है, एक लड़की है चार्मी और वो बहुत ही पढ़ाकू है और जो है बहुत चिड़चिड़ी है एंड फीचरिंग एन अपेलिंग विलन भी है उसके अंदर। जो एक विलन है उसका नाम है लबोग। क्या नाम है उसका? लबोग है। नाउ अब क्वेश्चन राइज कर रहा है, कौन राइज कर रहा है? बुक शेल्फ राइज कर रहा है। What does Q and mean? So I have explained here you what Q means here question and A means answer. तो book shelf question put कर रहा है and जो है डायना मैना जो है उसके answer दे रही है and who was interviewed by whom? Book shelf taking the interview of the Vanna John. ओके और वो कैसे उसका इंटरव्यू ले रहा है। बुक शेल्फ स्पोक विद वैना जोना बाय टेलीफोन एट हर होम इन द ब्रिस्टल इंग्लैंड। और जो उसका जो है टेलीफोन से जो है उसका जो है इंटरव्यू ले रहा है जो कि कहाँ पर है, शी इज़ इन ब्रिस्टल जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है सो अब बुक शेल्फ उससे क्वेश्चन कर रहा है How did Charmin came about? Means जो Charmin का character है आपके जो है आप कैसे मतलब आपके दिमाग में आया, मतलब कैसे आपने उसके बारे में सोचा। So अब जो है फिर से जो है ये हमारी जो है writer है डायना वैना जोन्स वो reply करती है hard to say It's just that I wanted someone who was not usual. Usual means जो साधारण नहीं है, अनकॉमन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीकन से शैल वी से, ठीक है, समवन हु हैड ए डिफ़िकल्ट अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मीन्स उसका जो पालन पोषण है, हाउ ए चाइल्ड इज ट्रीटेड एंड टॉट बाय द पेरेंट्स, जो है कैसे उसको पाला गया, ऑफ द काइंड दैट ए लॉट ऑफ पीपल डू दीज डे। तो किस प्रकार से एक जो है बच्चे का जो है लालन पालन किया गया है, किस तरह से जो आजकल किया जा रहा है, यू नो लॉट ऑफ पीपल नाउ डेज डोंट अलाउ देयर किड्स टू डू एनीथिंग। आपने देखा ना कि आजकल बच्चों को, जैसे पहले के पेरेंट्स होते थे बच्चे बाहर घूम रहे, कहाँ जा रहे हैं, कुछ केयर नहीं करते थे, बट नाउ दे आर वेरी पजेसिव अबाउट देयर किड्स, मतलब बहुत ही ध्यान रखते हैं कि घर से बाहर जा रहे हैं तो वो उनको देखते हैं, कुछ गलत ना करें, इधर ये खेल रहे हैं, ऐसा खेल रहे हैं, ऐसा, सो मीन्स वो कुछ नहीं कर सकते। सो वो बहुत ही ध्यान अपने बच्चों का रखते हैं बिकॉज इट इज़ डेंजरस, क्योंकि बच्चों के लिए वो क्या है, कोई गेम्स है, डेंजरस हो सकता है। सो मैनी किड्स आर सो शेल्टर्ड मीने प्रोटेक्टेड, मीन्स उनको बहुत सेफ रखा जाता है। दैट आई थॉट यू नो दिस इज़ द ऑपोजिट ऑफ द चाइल्ड हु हैज़ नथिंग बट मिसफॉर्चून्स। मिसफॉर्चून्स मीन्स प्रॉब्लम, यानी बैड लक हियर, अब्यूज, यूज बैड वर्ड्स एंड सफरर्स पीपल हु एक्सपीरियंस समथिंग बैड। मीन्स कुछ जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे का जो लालन पालन जो है बहुत ही अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ जो पेड़ जो हैं बच्चे हैं उनके ऑपोजिट नेचर के भी हैं, तो उनका तो बहुत ही जो है बैड मिसफॉर्चून, बैड लक है कि एंड आई थॉट दे आर सफरर जस्ट एज मच।
So sufferer, whom does the writer describes sufferers? Sufferers are nowadays of the children's, because their parents, they are thinking that anything if they do, it is dangerous for their kids. So the parents are very caring, okay, about nowadays. In the letter to the reader at the beginning of the book, you describe charming as a bean crossed game. Means bookshelf उसे question put कर रहा है. Again the this is a question here. So that's not a term that we use much in the USA. Can you describe what that means here? So bookshelf again question यहाँ पर question जो है put कर रहा है. किससे put कर रहा है? Vina Jones से question put कर रहा है वो. So well it means impatient. Impatient means what? Restless.